हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूअर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन। के आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जिसका नाम है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, जो कि जनरली बोर्ड वगैरह में पूछी जाती है। तो आज हम हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। मान लो एक कार्ट है, जैसे बुग्गी होती है ना, जिसका मास स्मॉल एम दिया मैंने। ये इस कार्ट के व्हील्स हैं, पहिए, और इस कार्ट और इस रफ ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। और ये एक हॉर्स है जिसका मास मैंने कैपिटल एम लिया है, और ये कि मासलेस रोड है, या इसको स्ट्रिंग भी बोल सकते हो, या मासलेस रोड है, जो कि इस कार्ट से कनेक्टेड है और फिर इस हॉर्स से कनेक्टेड है। यहाँ पे हॉर्स क्या करेगा, इस कार्ट को पुल करने की कोशिश कर रहा होगा, और वो ऐसा कब करता है, जब हॉर्स के पैर ग्राउंड को कुछ इस डायरेक्शन में पुश करते हैं, ग्राउंड के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं हॉर्स के पैर, जब ये हॉर्स इस कार्ट को पुल करने की कोशिश करेगा। एट एंगल थीटा पे घोड़े के पैर ग्राउंड पे कुछ ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये क्या है, ग्राउंड पे फोर्सेस बाय द फिट ऑफ हॉर्स एट एंगल थीटा, जब वो हॉर्स इस कार्ट को पुल करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये ग्राउंड भी तो घोड़े के चारों पैरों पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये क्या है, घोड़े के पैरों पे रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड एट एंगल थीटा फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां पे क्या कर रहा है, घोड़ा या हॉर्स इस कार्ट को पुल करने की कोशिश कर रहा है। जब वो इस कार्ट को पुल करने की कोशिश करेगा तो घोड़े के पैर इस ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो बदले में वो ग्राउंड घोड़े के चारों पैरों पे कुछ ऐसा रिएक्शन फोर्स देगा। मतलब ये क्या है, रिएक्शन ऑन फिट ऑफ हॉर्स बाय ग्राउंड। तो यहां पे इसका टेक्निकल पार्ट सोल्व करते हैं। टेक्निकल पार्ट पे मैं कार्ट के व्हील्स को नहीं दिखाऊंगा, इस कार्ट को एक ब्लॉक लूंगा जिसका मास है स्मॉल एम। और ये क्या है, मासलेस रोड, ठीक है। और इस घोड़े को मैं एक पॉइंट से दिखाऊंगा, ये मासलेस रोड कार्ट से कनेक्टेड है और घोड़े से कनेक्टेड है। घोड़े का मैं नाम दे रहा हूं यहां पे कैपिटल एच। यहां पे ये क्या है, हमारा घोड़ा या हॉर्स। इस हॉर्स पे देखो क्या क्या फोर्स आएंगे, एक तो कैपिटल एम जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहां पे घोड़ा क्या कर रहा है, इस कार्ट को पुल करने की कोशिश कर रहा है, तो जिसके कारण ग्राउंड इस घोड़े पे एट एन एंगल थीटा रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा आर। इन चारों फोर्सेस का सम है, वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन दी फीट ऑफ घोड़ा और एट एंगल थीटा। इस रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। ये जो रिएक्शन फोर्स आया है बाय ग्राउंड एट एंगल थीटा ऑन दी हॉर्स या ऑन दी फिट ऑफ हॉर्स, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा तो एम जी के बराबर ही रहेगा ना, कैपिटल एम जी के बराबर। तो इसका मतलब आर साइन थीटा को मैं क्या कह सकता हूं, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन हॉर्स वो आर साइन थीटा के बराबर होगी या कैपिटल एम जी के बराबर होगी। और ये आर कोस थीटा ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, इनफैक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन
बाय ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ हॉर्स, इस डायरेक्शन में कैपिटल आर कॉस थीटा, और यही इस पूरे सिस्टम के लिए ड्राइविंग फोर्स का भी काम करेगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया ना बाय ग्राउंड ऑन हॉर्स आर कॉस थीटा, यही इस पूरे सिस्टम के लिए कार्ट प्लस हॉर्स सिस्टम के लिए ड्राइविंग फोर्स का भी काम करेगा। अब कार्ट का बनाओ एफबीडी एमजी फोर्स और एक एन वन नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस रफ ग्राउंड ऑन कार्ट, वो एमजी के बराबर ही आएगा, स्मॉल एमजी के बराबर। और मान लो इस रस्सी में या इस मासलेस रोड में टेंशन क्या आई टी, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं फर्स्ट केस में कि ये जो मेरा सिस्टम है ना पूरा वो इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब घोड़ा इस कार्ट को पुल करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो कोशिश अभी तक व्यर्थ है, मतलब घोड़ा इस कार्ट को पुल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये रफ है ना, यहां पे रफनेस है ना बिटवीन कार्ट एंड दिस ग्राउंड म्यू, घोड़ा इसको पुल करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इस कार्ट पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस कार्ट पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही बिटवीन सरफेसेस, तो ये क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जिसका मैग्नीट्यूड इस जो मासलेस रोड में टेंशन आएगी उसी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस कार्ट पे इस डायरेक्शन में जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड इस रस्सी में टेंशन के ही बराबर होगा। और देखो ये भी इक्विलिब्रियम पे ही है, भी इक्विलिब्रियम पे, मतलब कार्ट भी रेस्ट पे है घोड़ा भी रेस्ट पे है, दोनों का एक्सेलरेशन पक्का सेम होगा, यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन क्या है जीरो, इसलिए मैं सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे बोल रहा हूं। तो नेट फोर्स कार्ट पे भी जीरो होना चाहिए, हॉर्स पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो हॉर्स पे नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब ये टेंशन आर कॉस थीटा के बराबर होगी। तो एक तरह से यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया ना इस कार्ट पे इस डायरेक्शन में वो किसके बराबर होगा? आर कॉस थीटा के बराबर। मान लो ये घोड़ा इसको पुल करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा बिल्कुल हो सकता ना, क्योंकि ये यहां पे रफनेस है ना बिटवीन कार्ट एंड ग्राउंड। तो ए केस में देखो ये तो है सिस्टम एट इक्विलिब्रियम की जनरल कंडीशन कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम पे नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो, इसलिए यहां पे फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक आया है और उसका मैग्नीट्यूड टेंशन के बराबर आया है, वो टेंशन आर कॉस थीटा के बराबर। तो फर्स्ट केस में देखो अगर ये घोड़ा ट्राई ही नहीं करता, नो ट्राई फ्रॉम हॉर्स ए केस में, इसको मैं किसका सब केस मान रहा हूं? सिस्टम एट इक्विलिब्रियम का, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मतलब हॉर्स भी और कार्ट भी दोनों रेस्ट पे हैं। उसमें दो चीजें हो सकती है ना कि ए केस में ये घोड़ा कोई ट्राई ही ना करे तो भी ऑब्वियसली कार्ट और हॉर्स दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे, तब क्या होगा? लेकिन इस मासलेस रोड में कोई टेंशन नहीं आएगी, ये थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो नो ट्राई फ्रॉम हॉर्स, हॉर्स की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही कार्ट को खींचने की या कार्ट को पुल करने की, तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। तो मतलब जो फर्स्ट केस हमारा सिस्टम है एट इक्विलिब्रियम, उसका एक सब केस पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ए केस कि नो ट्राई फ्रॉम हॉर्स, हॉर्स की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा 90 डिग्री हुआ तो एन टू इज इक्वल टू आर साइन थीटा, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। एन टू इज इक्वल टू आर साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू
कैपिटल एम जी, तो मतलब एन टू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। इसका मतलब ये जो रिएक्शन फोर्स था ना बाय ग्राउंड ऑन फीट ऑफ फोर्स, वो ऐसे आएगा, वही एन टू हो जाएगा, वही आर हो जाएगा, और जो कि कैपिटल एम जी के बराबर होगा। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना आर कोस थीटा, जब घोड़े की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही, वो पक्का जीरो आएगा। तो आर कोस थीटा को देख सकते हो आप, यहां पे जीरो आएगा, आर कोस 90 जीरो, तो ये जीरो भी क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, मतलब जीरो न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब घोड़े की तरफ से कोई कोशिश नहीं होगी तो ऑब्वियसली कार्ट प्लस हॉर्स सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पे होगा, तब क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। तो जो इस ग्राउंड ने रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया है ऑन द फीट ऑफ घोड़ा, वो सारा का सारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो गया ना, तो एन टू आर के बराबर आ जाएगा और वो कैपिटल एम जी के बराबर। तो उसका जो एक कंपोनेंट था आर कोस थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो इस रस्सी में टेंशन आर कोस थीटा के बराबर, और आर कोस थीटा मतलब आर कोस 90 डिग्री जीरो आई है, तो इस रस्सी या इस मासलेस रोड में कोई टेंशन नहीं आएगी। तो यहां पे देख लो फ्रिक्शन फोर्स, ये भी जीरो आएगा ऑन दिस कार्ट, टेंशन के बराबर है ना, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। ध्यान रहे, मैंने ये फर्स्ट केस किया है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो, तो इस रस्सी में टेंशन आर कोस थीटा के बराबर आएगी, और जो इस कार्ट पे इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी टेंशन के बराबर ही आएगा मैग्नीट्यूड में, और टेंशन आर कोस थीटा के बराबर आई है जब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो। इसका मैंने सब केस पढ़ा है कि हॉर्स की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही कार्ट को पुल करने की, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द फीट ऑफ हॉर्स, वो किसके बराबर आ जाएगी, R sin 90 डिग्री, मतलब R के ही बराबर आ जाएगी, जो कि कैपिटल एम जी के बराबर होगा सारा। तो इसका मतलब जब हॉर्स की तरफ से कोई कोशिश नहीं होगी कार्ट को पुल करने की, तो उस सिचुएशन में जो रिएक्शन फोर्स आएगा बाय ग्राउंड ऑन द फीट ऑफ हॉर्स, वो कैपिटल आर सारा का सारा ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो कि एन टू के बराबर भी होगा, और जो कि कैपिटल एम जी के बराबर भी होगा। उसका ये जो कंपोनेंट था स्टैटिक फ्रिक्शन आर कोस थीटा, वो तो ऑब्वियसली जीरो हो जाना है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, फोर्स की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही इस कार्ट को पुल करने की। तो इसी में इसका बी सब केस देखो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे लेकिन अब फोर्स की तरफ से कोशिश होगी, ट्राई फ्रॉम हॉर्स, हॉर्स कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, हॉर्स कोशिश कर रहा है मतलब थीटा को लगातार क्या करता जा रहा है, कम करता जा रहा, 90 डिग्री से और कम और कम, मतलब हॉर्स के पैर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ग्राउंड पे, तो उसका रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द फीट ऑफ हॉर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा इक्वल एंड अपोजिट, और इन चारों का मिला के कैपिटल आर आ जाएगा एट एंगल थीटा। तो यहाँ पे हॉर्स इस कार्ट को पुल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब थीटा लगातार कम करता जा रहा है हॉर्स, तो थीटा कम होगा तो सोचो क्या होगा, एन टू तो कैपिटल एम जी के बराबर ही रहना है, तो इसका मतलब आर साइन थीटा तो एम जी के बराबर ही रहना ना हमेशा, तो थीटा कम होगा तो साइन थीटा कम होगा, साइन थीटा की वैल्यू कम होगी, आर इंटू में साइन थीटा की वैल्यू कैपिटल एम जी रहनी है कॉन्स्टेंट हमेशा, तो साइन थीटा कम होगा तो रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ हॉर्स वो क्या होगा, बढ़ेगा, तो थीटा के घटने से आर बढ़ रहा है, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बाय ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ हॉर्स आर कोस थीटा वो क्या होगा, बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, थीटा के घटने से आर बढ़ा,
और थीटा के घटने से कोस थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। तो थीटा के घटने से आर बढ़ रहा है और कोस थीटा बढ़ रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ फोर्स कैपिटल आर कोस थीटा है जो कि वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अभी तक मान लो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, अभी तक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, फोर्स की तरफ से कोशिश जारी है इस कार्ट को पुल करने की, लेकिन फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और फोर्स की तरफ से कोशिश कैसे है इस कार्ट को पुल करने की, कि वो थीटा को घटाता जा रहा है जिसके कारण साइन थीटा घट रहा है, आर बढ़ रहा है, कोस थीटा भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है इस पूरे सिस्टम पे, स्टैटिक फ्रिक्शन बाय ग्राउंड ऑन होर्स कैपिटल आर कोस थीटा, वो क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। यहीं से तो कंक्लूजन निकलता है कि कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही है इस कार्ट को पुल करने की फ्रॉम होर्स, जैसे एंगल थीटा घट रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स इस पूरे सिस्टम पे कैपिटल आर कोस थीटा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो चांसेस इस कार्ट को एक्सेलरेट करने के वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन पूरा सिस्टम फिर भी इक्विलिब्रियम पे है अभी तक, इस केस में केवल चांस बढ़ते जा रहे हैं इस सिस्टम के एक्सेलरेट होने के। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना जाएगा, टेंशन के ही बराबर, ऑन दिस कार्ट फ्रिक्शन फोर्स टेंशन के बराबर ही आएगा, और टेंशन किसके बराबर आएगी, आर कोस थीटा के बराबर। अब देखो सेकंड केस, मान ले इस थीटा को घटाते 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 एक ऐसा टाइम आया वास्तविकता में फोर्स प्लस कार्ट सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गए, इन डूइंग सो, मतलब थीटा को घटाते घटाते इन डूइंग सो ऐसा करते हुए मान ले हमने ऐसा पाया वास्तविकता में कार्ट प्लस फोर्स दोनों ही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गए, सिस्टम एक्सेलरेट कर गया, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर गया, ए एक्सेलरेशन से, मतलब यहां पे क्या आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां पे तो ये जो कैपिटल आर कोस थीटा है ना, ये तो फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। यहां पे सेकंड केस में थीटा को घटाते घटाते इन डूइंग सो ऐसा करते हुए मान लो सिस्टम एक्सेलरेट कर गया, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, यहां पे फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा कैपिटल आर कोस थीटा। तो ये तो हमेशा चाहे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो चाहे सिस्टम एक्सेलरेट कर जाए सेकंड केस में, तो बिटवीन हॉर्स हिट एंड ग्राउंड वहां पे तो स्टैटिक ही फ्रिक्शन आएगा कैपिटल आर कोस थीटा। हाँ, सेकंड केस में थीटा को घटाते घटाते ऐसा करते हुए अगर मान ले सिस्टम एक्सेलरेट कर गया इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से, तो यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा बिटवीन कार्ट एंड ग्राउंड। तो जब दोनों एक्सेलरेट कर गए विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए, तब का एफबीडी बनाने जा रहा हूं मैं। यहां पे क्या है, फोर्स को दिखाया मैंने इस पॉइंट से, फोर्स पे एक तो कैपिटल एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और एक रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, जो कि एन टू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड आर साइन थीटा, जो कि कैपिटल एम जी के बराबर ही होगी। और ये आर कोस थीटा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन फोर्स हिट एंड ग्राउंड, ये तो हमेशा स्टैटिक ही रहेगा ये फ्रिक्शन फोर्स, और जो कि ड्राइविंग फोर्स का भी काम करेगा। तो थीटा को घटाते घटाते ऐसा करते हुए सिस्टम मान लो इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर गया, कार्ट का और फोर्स का दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। तो कार्ट के लिए एक तो mg फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक n1 नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल mg, और मान लो इस मासलेस रोड या इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी t, तो यहां पे सिस्टम एक्सेलरेट कर गया ना इन रियलिटी, तो इस कार्ट पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू में mg के बराबर, म्यू इंटू में mg के बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा।
और ये भी एक्सलरेट क्यों कर गया होगा, जब कोशिश कर रहा था हॉर्स इस कार्ट को पुल करने की, मतलब थीटा को लगातार कम करता जा रहा था, उसके कारण कोस थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जा रही थी और आर की भी। ऐसा करते करते ऐसा हो सकता है ना कि आर कोस थीटा जो कि ड्राइविंग फोर्स है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब म्यू इंटू में एमजी से ज्यादा हो जाए, मतलब सिस्टम एक्सलरेट कर जाए, ये जो पूरे सिस्टम पे ड्राइविंग फोर्स आर कोस थीटा है, जो कि क्या भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन फोर्स फीट एंड ग्राउंड है, ये अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, जो कि कितना है म्यू इंटू में एमजी, लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर कार्ट है वो क्या होगी, म्यू इंटू में एमजी। अगर ये म्यू इंटू में एमजी से ज्यादा हो जाए तो सिस्टम पक्का एक्सलरेट करेगा ना इस डायरेक्शन में, मतलब ड्राइविंग फोर्स इज ए ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, मींस आर कोस थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एमजी, तो ये दोनों ही सेम कॉमन एक्सलरेशन ए से इस डायरेक्शन में एक्सलरेट करेंगे, यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू में एमजी के बराबर कार्ट के लिए, और बिटवीन हॉर्स फीट एंड ग्राउंड आर कोस थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और दोनों ही इस डायरेक्शन में ए एक्सलरेशन से एक्सलरेट होंगे। तो इस ए को कैसे फाइंड आउट करें, पूरे सिस्टम के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये टी से ये टी कैंसिल, तो आर कोस थीटा माइनस म्यू एमजी, ये तो नेट फोर्स आएगा पूरे सिस्टम पे इस डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दी सिस्टम, वही इससे पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन ए आ जाएगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम पे कैपिटल आर कोस थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, कैपिटल आर कोस थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम मतलब स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये एक्सेलरेशन यहां से निकल गया, और आर कोस थीटा म्यू एम जी से ज्यादा है तभी तो ये मेरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। अगर आर कोस थीटा म्यू एम जी के बराबर या उससे कम हुआ तो सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करेगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो यहां पे आर कोस थीटा मतलब ड्राइविंग फोर्स इस सिस्टम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी से ज्यादा है, तो ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और वो एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट कर दिया यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑन दिस कंप्लीट सिस्टम, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इस ए को केवल इस कार्ट पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है तो कार्ट का भी एक्सेलरेशन ए हो गया, तो अब कार्ट पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो कार्ट पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना आएगा, टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कार्ट। तो यहां से एक्सेलरेशन तो फाइंड आउट कर लिया, तो इन दोनों से इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इस हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में क्या है कि एक कार्ट गिवन है जिसका मास है स्मॉल एम, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार्ट एंड दिस रफ ग्राउंड वो म्यू है, हॉर्स का मास कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी है, और ये मासलेस रोड है या स्ट्रिंग भी बोल सकते हो। यहाँ पे हॉर्स कोशिश कर रहा है इस कार्ट को पुल करने की, और ये हॉर्स की तरफ से कोशिश कब होगी, जब ये हॉर्स इस ग्राउंड पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा या इस ग्राउंड को पुश करेगा इस डायरेक्शन में एट एंगल थीटा, तो ग्राउंड भी बदले में फोर्स के पैरों पे इस डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो फर्स्ट केस में मैंने ऐसा माना था कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो मैंने एफबीडी बनाया, फोर्स का एफबीडी ये आया, कार्ट का एफबीडी ये आया। तो फोर्स की बात करूं तो एक कैपिटल एम जी फोर्स आया ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक इस ग्राउंड के द्वारा रिएक्शन फोर्स कैपिटल आर, उसके उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा।
आर साइन थीटा तो क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ फोर्स, जो कि ऑब्वियसली कैपिटल एम जी के बराबर होगा, और ये कैपिटल आर कॉस थीटा क्या बन गया, ड्राइविंग फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द फिट ऑफ फोर्स बाय ग्राउंड। और मान लो वास्तविकता में हॉर्स की तरफ से कोशिशें हो रही हैं और फिर भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं, तो मान लो इस रस्सी में टेंशन टी आई, इस कार्ड का एफबीडी बनाऊं तो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स एन वन नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड एम जी, और क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो ये टेंशन किसके बराबर आएगी, आर कॉस थीटा के बराबर, तो इस कार्ड पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में कार्ड पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा जिसका मैग्नीट्यूड टेंशन के ही बराबर होगा, आर कॉस थीटा के बराबर। अब मान लो इसी का सब केस कि देयर इज नो ट्राई फ्रॉम हॉर्स टू पुल द कार्ट, तो मतलब क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, तो एन टू नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ फोर्स वो क्या आ जाएगी, आर साइन 90 डिग्री या कैपिटल एम जी, मतलब आर ही आ जाएगी, मतलब सारा का सारा ये जो रिएक्शन फोर्स है ना बाय ग्राउंड वो ऐसे आ जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना आर कोस थीटा ऑन द फिट ऑफ फोर्स, आर कोस 90 डिग्री जीरो आ जाएगा, तो इस रस्सी में टेंशन भी जीरो होगी और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऑन दिस कार्ट इस डायरेक्शन में ये भी क्या आएगा, जीरो न्यूटन स्टैटिक। अब इसी केस में, फर्स्ट केस में जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, इसकी जनरल कंडीशन क्या होगी कि ये ड्राइविंग फोर्स आर कोस थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तो ही पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। अब इस फर्स्ट केस के बी सब केस पे आओ, मतलब नाउ देयर इज ट्राई फ्रॉम हॉर्स टू पुल द कार्ट, लेकिन उसके बावजूद भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो हॉर्स की तरफ से ट्राई है इस कार्ट को पुल करने की, तो इसका मतलब क्या है, ये थीटा हॉर्स लगातार कम करता जा रहा है, तो थीटा के कम होने से क्या होगा, साइन थीटा कम होगा और रिएक्शन फोर्स बढ़ेगी बाय रफ ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ हॉर्स, तो साइन थीटा घट रहा है रिएक्शन फोर्स बढ़ रही है, तो थीटा के घटने से कोस थीटा भी बढ़ेगा, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना बाय रफ ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ हॉर्स वो बढ़ जाएगा, आर बढ़ रहा है कोस थीटा भी बढ़ रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर भी मान लो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, आर कोस थीटा के बराबर, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन दिस कार्ट वो भी आर कोस थीटा के बराबर आएगा। अब मान लो थीटा को घटाते घटाते एक ऐसा टाइम आया, ऐसा करते हुए थीटा को घटाते घटाते कि सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर गया, इनफैक्ट इन रियलिटी एक्सेलरेट कर गया, तो ये कब हुआ होगा, ये जो ड्राइविंग फोर्स था ना आर कोस थीटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू में एमजी से ज्यादा आए, और ऐसा हो सकता है कि ये ड्राइविंग फोर्स आर कोस थीटा म्यू एमजी से ज्यादा हो जाए, क्योंकि हॉर्स की तरफ से लगातार कोशिश थी इस कार्ट को पुल करने की, और वो कोशिश कैसे थी, वो थीटा को हॉर्स लगातार कम करता जा रहा था जिसके कारण रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा था, मतलब ड्राइविंग फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन बाय रफ ग्राउंड ऑन द फिट ऑफ फोर्स आर कोस थीटा वो भी बढ़ता जा रहा था, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है ना आर कोस थीटा म्यू एम जी से ज्यादा हो जाए, तो पक्का सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और बिटवीन कार्ट एंड रफ ग्राउंड और कार्ट पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू एम जी, और स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ऑन द फिट ऑफ फोर्स बाय रफ ग्राउंड इस डायरेक्शन में आर कोस थीटा। तो इस पूरे सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा सिस्टम का, या कार्ट का और हॉर्स का दोनों का एक्सेलरेशन आ जाएगा ए, वो कितना आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस कंप्लीट सिस्टम जो कि क्या होगा आर कोस थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन, आर कोस थीटा माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये यहां से तो आ गया इस सिस्टम का एक्सेलरेशन। और अब इस रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, अब इस कार्ट के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, कार्ट का और हॉर्स का दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ए, तो कार्ट का भी एक्सेलरेशन ए ही हो जाएगा, तो इस कार्ट पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो,
कार्ट पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, टेंशन माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन और डिवाइडेड बाय मास स्मॉल एम। तो यहां से टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मासलेस रोड या स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी।